तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, अपने मायके से जा रही थी मैं अपने ससुराल। और जस्ट अभी हम घर से निकले ही हुए थे और आजकल हमारा कोई वीडियो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कारण क्या है वो बताऊँगी मैं आपको आगे ब्लॉग में। तो बस जस्ट निकली हुई थी तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि कर लूँ। और मैं बिल्कुल सिंपल में गई थी, कोई मेकअप वगैरह नहीं किया था हमने और कुछ भी हमने साड़ी वगैरह नहीं डाली थी। कारण क्या है मैं बताऊँगी आपको। और जल्दी जल्दी में ही हम लोग गए थे, मतलब अचानक से हम लोग गए थे। यहाँ पे हम अपने घर पहुँच चुके हैं अपने रूम में और बच्चे भी पहुँच चुके हैं। तो बच्चे कर रहे हैं बातें, पहले बच्चों की बातें सुन लीजिए। हाय, हम दादी के घर पहुँच गए। तो ये बना था हमारे यहाँ रात का खाना। दाल है जिसमें हल्दी नहीं डली हुई है, सिर्फ टमाटर वगैरह उसमें काट के डाल दिया जाता है, प्याज वगैरह टेस्ट के लिए। और चोखा आलू का भरता बोलते हैं जिसे, और रोटी, क्योंकि हमारे चाचा जी जो हैं वो नहीं रहे अभी, मतलब चाचा ससुर और जवान ही थे वो बिल्कुल, तो इसीलिए जो है अभी 10 दिन तक सादा खाना बनता है। तो वही मतलब सादा ही खाना था। और एक गाना सुनो देवी जी का, देवी जी का गाना भी सुनो। कौन देवी जी का? कोई भी जो आता हो। हम तो दग्राती मां। हाँ ओम भूर्भुवस्वः अभी तो बरेडी अंबर को देवा सदी मई दियो योना पर चला बताए। और ये जो बाबू है जिसने अभी आपको गायत्री मंत्र सुनाया है, ये मेरे चाचा जी का नाती है, मतलब एक चाचा जी के एक ही बेटे हैं और उनका बेटा है। और चाचा जी के साथ साथ ही रहते था ये, तो फिर बहुत लगाव है इनको एकदम से। और चाचा जी ने इनको सुंदर कांड और गायत्री मंत्र वगैरह ऐसे जो होते पूजा पाठ की चीज़ें इनको सिखा के रखा है। और यहाँ पे जो है हो रहा है वो जो होता है शुद्ध, तो वो दिन का काम सब हो गया है, रात को यहाँ पे कच्चा खाना बनता है। तो वही सब लेडीजें मिलके रोटी बना रही हैं, क्योंकि रोटी जो होता है वो लेडीजें ही घर की बनाती हैं, तो सारे लोग मिलके बना रहे थे। और ज़्यादा होता है क्योंकि 50-100 आदमी का खाना होता है, तो फिर जब तक सब नहीं बनाएंगे तो फिर उतना नहीं बन पाता। और यहाँ पे मैं बना के रोटी फिर मैं हट गई थी वहाँ से, मतलब मुझे चाची जी लोगों ने बोला कि आप अभी आराम कर लो थोड़ा सा और कोई और बनाएगा, तो फिर वही हम लोग, मतलब मैं हट गई थी, मैं सोफे पे आके बैठ गई थी। फिर और चाची लोग और मेरी मतलब जिठानी जैसे भाभी लोग भी बनाने लगी थी फिर रोटी। और यहाँ पे खाना जो है दाल चावल सब्जी और दही बड़ा ये सब मतलब बनता है, वो जिस दिन शुद्ध होता है उस दिन रात को, दिन भर तो खाना कुछ नहीं बनता है, रात को ही बनता है। तो घर की लेडीजें ही सब इधर काम कर रही हैं, मतलब घर की क्या है, चाची वो दो पीछे जो हैं वो चाची हैं और इधर की भाभी हैं हमारी, सब लोग इधर मतलब काम कर रही हैं। और वही है, अचानक से मेरे चाचा जी बिल्कुल अभी जवान ही थे लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हार्ट अटैक सा हुआ, मतलब अचानक से जैसे वो गिरे और तुरंत ही ऐसा हो गया। ज़्यादा कुछ मैं अभी नहीं बता सकती आपको क्योंकि नहीं है, वैसे कंडीशन में नहीं है, हम बताऊंगी कभी डिटेल से। और यहाँ पे जो है बच्चों का वो हो जाता है शुद्ध में, हमारे जो है छोटे से बड़े सबका मुंडन होता है, जो बच्चे होते हैं जेंट्स मतलब सबका, तो बाबू का भी हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे खा रहे हैं बच्चे खाना, तो ये लोग ना जैसे ऐसे अकेले खाना नहीं खाते, जब चारों बच्चे होते हैं जैसे हमारे और दो भाभी के भी, जब चारों होते तो इकट्ठा मिल के अच्छे से खा लेते हैं ये, तो वहीं पे हम इन लोग बच्चों को खिला रहे थे। और अच्छा खाएगी, अच्छा खिलाओ खिलाओ, देखो बाबू को। हाँ अच्छी आई, कौन खा गया? हाँ? पता नहीं।
सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ अभी अपने ससुराल में, क्योंकि मेरे चाचा ससुर जी जो हैं वो अभी नहीं हैं इस दुनिया में। आज 11 दिन हुआ तो इसलिए मेरा कोई लेटेस्ट अपडेट ब्लॉग नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ससुराल में हूँ। तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता कि मोबाइल निकाल के कोई ब्लॉग बनाऊँ। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि दीपावली ब्लॉग नहीं आया, तो दीपावली के दूसरे दिन ही चाचा जी की डेथ हुई थी, इसलिए नहीं आ पाया। और पूरी बातें बताऊँगी कभी डिटेल में। और आज ना मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ना शरीर में दर्द और मतलब तकलीफ है बहुत ज़्यादा, तो मैं इधर लेटी हुई हूँ। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि लोग बोल रहे हैं ना कि अभी आप अपडेट नहीं दे रहे हो, कहाँ हो, कैसे हो। शेड्यूल्ड ब्लॉग हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ठीक हूँ इधर। अब इस माहौल में मैं इधर वीडियो नहीं बना सकती ज़्यादा, पर हाँ नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी ससुराल में मतलब ब्लॉग। और बस जस्ट एक अपडेट था आपको देना था। और यहाँ पे आया था मार्केट से बथुआ, तो मार्केट का जो बथुआ होता है या खेत का भी होता है उसको अच्छे से देखना होता है, तो यहाँ पे वही मैं काटने वाली थी। तो फिर मैं पहले से अच्छे से इसके पत्ते अलग करूँगी, फिर मैं इसको आराम से बैठ के काटूँगी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लिप ले लूँ, क्योंकि इस टाइम कोई भी नहीं था किचन में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं फ़ोन करने के लिए मतलब फ़ोन उठाया था हमने, फिर बात करी, फिर जल्दी बात ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ले लेती हूँ, क्लिप बना ही लेती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे बथुआ जो है वो साफ़ कर रही हूँ। और साग जो है मैं ना मैं बहुत महीन मतलब बारीक बारीक से ही काटती हूँ, इसलिए सब लोग मुझे ही बोलते हैं साग काटने के लिए। और जैसे बथुआ का दाल जो है वो सुबह डालना है, तो मैं रात को ही इसको काट के धुल के और मतलब ओस में रख दूँगी। तो इससे क्या होता है, सुबह काम जो है वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि सुबह जो है वो जल्दी का काम है कुछ, क्योंकि अभी भीड़ में सारे लोग भी आए हुए हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो जल्दी काम हो जाए तो ठीक है, नहीं पूरा दिन लग जाता है। और साथ में मुझे मिला था सिंघाड़ा खाने के लिए, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सोच रही थी कि खाऊं कि ना खाऊं, और ये मिला था इतना सारा, तो फिर बच्चे ही खा गए, मैं नहीं खाई उतना। और यहाँ सब्जी बन रही है, और ये था दूसरे दिन सुबह का क्लिप था, थोड़ा बहुत और भी मैं रिकॉर्ड करी हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं कर सकती मैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।